मैं लिखती हूँ क्योंकि लिखते लिखते बहुत सारी जिंदगियाँ जी लेती हूँ, उनके सुख दुख, उनके इमोशंस सब। मेरे लिए ये कहानियाँ किसी हाइड आउट की तरह हैं, जहाँ सब कुछ भुलाकर कुछ वक्त अपने साथ बिताया जा सके। ये मेरा कहना नहीं है, ये उनका कहना है जिनसे आज हमारी मुलाकात होने वाली है। नमस्कार, प्रतिलिपि हिंदी रॉकस्टार्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ मानवी वहाने और मेरे साथ हैं नेशन न्यूज़ में प्रोमो प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत, कहानियाँ जीने में विश्वास रखने वाली लेखिका रश्मि कुलश्रेष्ठ जी। मैम, हर किसी की ज़िंदगी में उसके लिए ज़िंदगी की परिभाषाएं अलग अलग होती हैं, तो अगर कोई लिखता हो तो उसके लिए लिखने की भी डेफिनेशन अलग होगी। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके लिए लिखना क्या है, इसे आप कैसे परिभाषित करती हैं? मेरे लिए लिखना एक तरीके का, मान लीजिए आप, हाइड आउट है। मतलब कि ज़िंदगी में हम या मुझ जैसे लोग जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या फिर हम किसी चीज़ से डर तो नहीं कहूँगी, हाँ हम बचते हैं किसी चीज़ को कहने से, शायद मेरे लिए लिखना वो है। जैसे कोई अकेला इंसान होता है, वो डायरी लिखता है ना, जो डायरी लिखता है वो सामने कह क्यों नहीं सकता, तो जो नहीं कह पाते वही डायरी लिखते हैं, जो सब कुछ कह देते हैं वो डायरी नहीं लिखते। तो मेरे लिए लिखना खुद को बताना, खुद को जानना और खुद को ढूंढना, उसका एक मीडियम है। बहुत ही खूबसूरत परिभाषा है आपकी लिखने की। तो मैं इसके आगे जानना चाहूँगी कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये जो हाइड आउट आपने जैसा कहा, इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई और इसके जो खट्टे मीठे अनुभव हैं वो भी हमसे साझा कीजिए। लिखने की शुरुआत अगर बहुत पहले जाऊँ तो शायद ना मेरे में कहीं ना कहीं ह्यूमर वाला टंच था कि कॉलेज में लड़कियों पे टाइटल बनाना, उनको टाइटल देना, तो ऊटपटांग काम, मतलब फितूर एक तरीके से बोल सकते हैं आप। उस टाइम अकल नहीं थी 11th में या ग्रेजुएशन में आके, तो कुछ भी लिखना टाइप का मेरा मूड रहता था, कुछ भी लिखती थी। तो मेरे क्लासमेट्स या बैचमेट्स थे, वो बोलते थे कि ये क्या फितूर है, क्या पागलपंती करती रहती है, लिखती रहती है। तो मैं उनको कहती थी देखना एक दिन लिखूंगी ही सिर्फ। और वाकई में तब नहीं पता था कि वाकई में मैं लिखूंगी, क्योंकि तब ऐसे ही बोल दिया जो दिमाग में जवाब आया। लिखना हाँ शौक था, अच्छा लगता था। ह्यूमर की पोइम लिखी थी पहली बार, एक दिन कुछ शायरी लिखी प्रेम वगैरह पे, तो मम्मी को मेरा कागज़ मिल गया। तो घर में, हमारे घर में कोई नहीं लिखता, राइटिंग बैकग्राउंड से कोई भी नहीं है, तो मम्मी पूछती है ये कौन लिखने लगा है आजकल। तो मुझे डर लगा कि मैं गलत काम कर रही हूँ क्या। तो मैंने बोला मम्मी वो एक मैगजीन में छपी थी ना शायरी, अच्छी लगी तो मैंने नोट कर ली। उनको नहीं बताया कि मैंने ही लिखी है। मम्मी बोली अच्छा लिखा है, किसने लिखा है, मतलब वो राइटर का नाम पूछने लगी। अब एक बार झूठ बोल सकती थी तो बताया तो नहीं कि क्यों, किसने लिखा, क्या लिखा। फिर वो बात वहीं की वहीं ख़त्म हो गई। फिर धीरे 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 करके मैंने लिखना शुरू किया, डायरीज लिखी। और डायरी में मैंने कभी ये नहीं लिखा कि आज मेरे साथ ये हुआ, मतलब जो हुआ वो मैंने नहीं लिखा, जो हुआ उसको पोइम बना के या किसी कपलेट में ढाल के वैसे लिखती थी। फिर जब मैंने मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया तो एक बहुत फ़नी इंसिडेंट हुआ। हमारे इंटरनल एग्ज़ाम्स थे तो क्वेश्चन आया कि एक स्टोरी लिखे, स्टोरी सर का कहने का मतलब था न्यूज़ स्टोरी, और मैंने वहाँ फिक्शन लिख दिया, एक कहानी लिखी एक लड़के की और एक लड़की की। अरे। फिर उसके बाद एग्ज़ाम में इंटरनल थे तो सर ने कॉपी चेक की, तो उन्होंने पहले तो ये बोला कि आपने बिल्कुल गलत लिखा है। फिर उसके बाद उस कहानी की बहुत तारीफ़ की, मतलब उन्हें अच्छा लगा कि मैंने कितने 2 घंटे का था उसमें 1 घंटे या आधे घंटे मैंने स्टोरी प्रॉपर, मतलब विद बिगनिंग मिडिल और एंड, मैंने प्रॉपर पूरी स्टोरी लिखी। फिर सर को पसंद आई तो उन्होंने तारीफ़ की, तो तब से शायद मुझे लगा कि शायद मैं इस फील्ड में जा सकती हूँ। फिर DD वगैरह के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स मिले कि उन्हें एक कोई राइटर चाहिए था सीरियल लिखने के लिए, जो डायलॉग्स भी लिख सके, जो स्क्रीन प्ले भी लिख सके। इवन उन्होंने तो मुझसे जिंगल भी लिखवा लिए, मतलब उनके जो सीरियल का थीम सॉन्ग था वो भी लिखवाया फिर उन्होंने। तो धीरे धीरे करके ऐसी जर्नी पूरी चलती रही। मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था मंडली में आना, नीलेश मिश्रा सर की मंडली में आना। मतलब ये जो नाम था ना, वो अपने आप में ही पूरा एक कंप्लीट, एक मतलब एक प्लैनेट है मेरे लिए ना, कि मतलब मंडली, नीलेश मिश्रा सर की मंडली में आना। तो सुनती थी, तो जब पहली बार कहानी सुनी शायद 2012 में मैंने पहली कहानी सुनी थी, तो मुझे लगा कि अच्छा ऐसे, मतलब एक ये भी मीडियम है, क्योंकि पहले
एयर इंडिया पे आती थी कहानियाँ तो बड़े बड़े राइटर्स की कहानी नरेट करते थे, किसी नए राइटर की लिखी हुई कहानियाँ नहीं आती थी उससे पहले। तो एक तो सर ने, नीलेश सर ने ये पूरा इवॉल्व किया, एक कहानियों का एक पूरा प्लैनेट बनाया, उनकी एक दुनिया बनाई, याद शहर तो पूरा उनका बसाया हुआ है ही। तो एक दिमाग में था कि मुझे भी ज्वाइन करनी है ये मंडली, कैसे ये नहीं पता था कुछ भी। सर को उस पर फॉलो करना शुरू किया फेसबुक पे, तो उन्होंने एक बार लिखा कि मंडली में भर्तियां हो रही हैं, तो मैंने फटफट अपनी कहानी भेज दी उनको। कहानी भेजी तो करीबन 15 या 20 दिन बाद उनका रिप्लाई आया कि हमें आपका लिखना पसंद है, कहानी के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला, आप मंडली ज्वाइन करना चाहेंगी? तो मुझे और क्या चाहिए था, मैंने फ़ौरन ही हाँ करके उनको मेल का रिप्लाई कर दिया। तो बेसिकली राइटिंग एक मतलब आपको टीवी के लिए लिखना और ये कहानियाँ लिखना दोनों बहुत अलग चीज़ हैं। रेडियो और नॉर्मल कहानी भी, टीवी में आपका क्या होता है, आपको सिर्फ डायलॉग्स देने हैं, एक्सप्रेशन वो जो एक्ट करेगा वो डालेगा, लेकिन आप एक कहानी लिखते हैं तो आपको एक्सप्रेशंस भी लिखने हैं, अगर कोई रोया तो किस तरीके से रोया या हंसा तो कितना खुल के हंसा, ये भी आपको उन शब्दों में देने हैं। तो मंडली में जब आ गई मैं नीलेश मिश्रा सर की मंडली में, तो क्योंकि रॉ थे एकदम, मतलब मैं एक रॉ राइटर थी, तो धीरे धीरे करके उन्होंने सिखाया, बताते थे कि ऐसा करना है। मंडली में अभी जो क्रिएटिव एसोसिएट क्रिएटिव हेड हैं अनुलता जी, अनुलता राजनायर, उन्होंने बहुत हेल्प की कि वो मतलब कहानियों में एक एक पॉइंट पे यहाँ ये सही है, लॉजिकल चीज़ कि मैंने कितना इलॉजिकल लिखा है। जैसे मेरी एक कहानी थी उसमें हिंदू कैरेक्टर था और उसमें भर के उर्दू डाली हुई थी, तो उन्होंने एक लॉजिक दिया, कौन हिंदू फैमिली इतनी ज़्यादा उर्दू बोलती है जी, है ना, लॉजिकल बात थी। मतलब कोई भी, शायद मैं ही जो हूँ, भले ही मैं अलीगढ़ की रहने वाली हूँ या हमारे घर में उर्दू बोली जाती है, लेकिन उतनी खालिस उर्दू नहीं बोली जाती। तो फिर उन्होंने ऐसी छोटी छोटी बातें बताई कि हम कहानियों में वो चीज़ लिखें जो हम रियल लाइफ में बोलते हैं, जो चीज़ रियल लाइफ में करते हैं। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे उन्होंने मुझे बहुत ग्रो करने में मदद की, और वो बताते हैं, मतलब सर बताते हैं, अनुलता जी बताती हैं कि आप कैसे एक्सप्रेस करो चीज़ों को, कहानी को किस तरीके से ले जाओ, कहानी का आर्क क्या होता है। मुझे कुछ नहीं पता था, उन्होंने बताया कि कहानी का आर्क एक सबसे ज़रूरी है, कि आप अपना कन्फ्लिक्ट लेंगे तो उसको एक जर्नी पहुंचाना, कि उसको एंड तक पहुंचाना, वही जर्नी ही पूरी कहानी है। तो कहानी कहना और कहानी लिखना दोनों चीज़ें मैंने यहीं आके सीखा, मतलब आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं चीज़ों को। और अच्छा, इस मंडली में आके एक और मेरे साथ थोड़ी फ़नी बात हुई कि मुझे लगता था मैं बहुत इमोशनल राइटर हूँ, तो जब मंडली में शुरू में आई तो इमोशनल चीज़ें उतनी निकल के नहीं आई, क्योंकि शायद हम जितना इमोशनल समझते हैं ना कहानियाँ, उतनी ज़्यादा गहराई में अगर आप डूब गए तो आप कहानी नहीं निकाल पाओगे, आपको डूबना भी होगा, फिर उबरना होगा, फिर डूबना होगा, फिर उबरना होगा। तो उस सब चीज़ में उलझी रही, तो इसी बीच मेरे दिमाग में एक ह्यूमर प्लॉट आया कि दामाद जो होते हैं उनकी इनसिक्योरिटीज़। मैंने एक कहानी लिखी दर्द दामाद, जो सर को और जो हमारी मैम थी उनको बहुत पसंद आई, तो फिर वहीं से फिर मतलब ये हो कि मैंने ह्यूमर भी ढूंढा अपने अंदर, फिर मैंने इमोशंस भी ढूंढे और फिर लिखना शुरू कर दिया। एक तरह से आपने खुद को एक्सप्लोर किया बहुत ज़्यादा, मतलब अगर मेरे लिए माने तो मैं अगर राइटर खुद को कह सकती हूँ तो सिर्फ मंडली में आने के बाद, क्योंकि पहले लिखना मतलब खुद लिखा खुद पढ़ लिया, मतलब स्वांत सुखाए जो होता है, यहाँ खुद लिखा खुद पढ़ लिया कोई मेरे लिए। और टीवी वगैरह के लिए लिखना, ये एक मतलब मुझे टीवी के लिए या सीरियल के लिए लिखना वो राइटर वाली कैटेगरी में नहीं डाल सकती। हाँ, स्क्रीन प्ले राइटर या डायलॉग राइटर हो सकते हो, बट प्रॉपर राइटर शायद मैं मंडली में आके बनी हूँ, शायद क्या डेफिनेटली मंडली में ही आके बनी हूँ। मैम, आपने बताया कि जैसे मंडली के अनुभव आपने बताया, आपने कैसे ज्वाइन किया, आपका सफ़र कैसा रहा, तो रेडियो के लिए जो आप कहानियाँ लिखती हैं, मुझे इसी से जुड़ी एक बात जाननी है कि जो रेडियो के लिए हम लिखते हैं तो उसमें हमें किन खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे जिन कहानियों को हम पढ़ रहे हैं और जो कहानियां हम सुन रहे हैं रेडियो या पॉडकास्ट के माध्यम से, उनके लेखन में क्या अंतर होता है? अंतर ये होता है कि रेडियो में और बुक में या किसी भी मतलब राइटिंग रीडिंग फॉर्मेट में अगर आप लिखते हैं तो रेडियो में आपको शुरू से ही वो बनावट कसते हुए लानी होती है। अगर आप पहले एक लिखेंगे तो उसके बाद दो लिखेंगे, तीन लिखेंगे, चार लिखेंगे, पाँच लिखेंगे,
एक भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। अगर उस दो और तीन के बीच का पॉज है तो आपको वो पॉज भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। राइटिंग में आप क्या है कि आपके पास जो भी रीडर है उसके पास ये लिबर्टी होती है कि अगर उसे कुछ समझ में नहीं आया तो वो क्या करेगा कि दो लाइन पीछे से पढ़ लेगा दोबारा से। रेडियो में आपका एक बार ऑन एयर हो गया, एक बार आप चीज़ सुन चुके तो आप दोबारा से नहीं सुन सकते, है ना। रेडियो के फॉर्मेट में एक बार चीज़ ऑन एयर होगी तो वो उसी फ्लो में होगी। तो रेडियो में हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि कोई भी चीज़ छूटे ना। अगर हम पॉज दे रहे हैं, अगर हम फ्लो दे रहे हैं तो पूरी चीज़ें एकदम स्मूथली चलें। और राइटिंग में हमारे पास समझाने के लिए, बताने के लिए, अगर कोई डाउट है उसे क्लियर करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं रीडर के पास, कि अगर रीडर के मन में कोई डाउट रह गया कहानी को लेके तो दोबारा पीछे से पढ़ के शुरू कर सकता है, या वो खुद से पढ़ के बार बार, मतलब एक बार नहीं, होता है मेरे साथ कई बार कि अच्छा ये कैसे हो गया बुक में पढ़ते टाइम, फिर मैं पीछे से 5-6 लाइन शुरू करती हूँ। अगर मैं यही कहानी सुन रही हूँ, मान लो अपने नहीं किसी और की लिखी, तो वो जो डाउट है ना वो रह जाएगा कहानी के आखिर तक। तो हमें रेडियो में अपनी कसावट एकदम अच्छी रखनी पड़ती है, हमें चीज़ें उसी ऑर्डर में लगानी पड़ती हैं जिस ऑर्डर में हमें सुनानी है। राइटिंग में हम ऑब्वियसली बात है, हम राइटिंग का ऑर्डर भी वही फॉलो करेंगे, लेकिन हमारे पास थोड़ी सी लिबर्टी होती है। अगर हम जो चीज़ पहले ना बता के बाद में बताएं तो भी लिसनर को स्टोरी क्लियर हो जाएगी। और लिखने में रेडियो में आपको साउंड ध्यान में रखने होते हैं। अच्छा, रेडियो के लिए लिखेंगे तो हमें साउंड ध्यान में रखने होंगे कि अगर हम मॉर्निंग का सीन खींच रहे हैं तो हम ये कर सकते हैं कि सड़क पे झाड़ू बुहारी जा रही थी, मतलब रोड साफ की जा रही थी, या फिर कोई एयरपोर्ट का सीन देना है तो हम एयरपोर्ट पे बैठा, तो एयरपोर्ट पे अगर हम ऑडियो के लिए स्टोरी दे रहे हैं रेडियो के लिए, तो एयरपोर्ट पे मैंने लिखा कि सुमित्रा जी अपने एयरपोर्ट में फलाने फलाने लॉन्च में वो ऐसे बैठी हुई थी, तो हमारे इमीडिएटली हमारे दिमाग में एयरपोर्ट का सीन क्लियर हो जाएगा, उसका अनाउंसमेंट रेडियो के फॉर्मेट में वो आएगा, फ़्लाइट नंबर फलाना फलाना ऐसे टेक ऑफ करने जा रही है, जो भी चीज़ है। तो अगर हम कोई भी सीन क्रिएट करते हैं उसके लिए हमें ज़रूरी है उसके साउंड को भी क्राफ्ट करना। भले ही हम वर्ड में ना लिखें, हम ये ना लिखें कि ये फ़्लाइट वहाँ जा रही थी और सुमित्रा जी बैठ के वहाँ इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि बाकी का काम सारा एडिटिंग का, पोस्ट प्रोडक्शन का काम होता है, वो पूरा एडिट में लगाते हैं ताकि सीन पूरा क्लियर हो जाए। तो रेडियो में पहली चीज़ तो हमें हर चीज़ क्लियर रखनी पड़ती है, हर एक स्मूथ स्टोरी लाइन लेके चलना पड़ता है, प्रॉपर उसके ब्रेक्स होते हैं, प्रॉपर पॉज होते हैं, प्रॉपर फ्लो होता है, और साथ साथ हमें विजुअल राइटिंग के लिए हमें साउंड से भी खेलना होता है कि हम कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा साउंड निकालें ताकि वो कहानी उतनी लाइवली बने और उतना सुनने में अच्छा लगे। कहानियों पर से बात ही चल रही है तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आप किस तरह की कहानियों को लिखना और पढ़ना ज़्यादा पसंद करती हैं और क्यों? मुझे इमोशनल और रिलेशनशिप बेस्ड, रिलेशनशिप किसी का भी हो, हस्बैंड वाइफ का हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, या फादर डॉटर का हो, डॉटर मदर का हो, कोई भी रिलेशनशिप बेस्ड, हाँ पारिवारिक, जिसमें मतलब रिश्तों में गहराई हो। मतलब वैसे तो हर ही सारे रिश्तों में गहराई होती है, अगर होनी होती है तो, है ना, अदरवाइज़ तो रिश्ते जो है उथले भी होते हैं, मतलब शैलो भी होते हैं, कि अगर नहीं है उनमें उतनी डेप्थ तो नहीं होगी। तो मुझे डीप रोमांटिक, डीप इमोशनल ऐसी बुक्स पढ़ने का, स्टोरीज़ पढ़ने का, या नॉवल पढ़ने का, कोई भी पीस हो, इवन पोइट्री भी हो तो भी मुझे इस टाइप की कहानियाँ, कविताएँ, ये सब पढ़ने का शौक़ है, अच्छा लगता है उन्हें पढ़ना, और वो चीज़ मेरी राइटिंग में भी दिखती है। मतलब शायद मतलब मेरे लिखने में बहुत ज़्यादा रोमांस होता है, मतलब मुझे लव स्टोरीज़ लिखना बहुत पसंद है। एक ज़माने में था मैं नहीं लिख पाती थी, अच्छा। मेरे लिए चैलेंज था कि लव स्टोरी लिखूँ, लेकिन इस ये यादों का एडिट बॉक्स जब 5th सीज़न आया तो पता नहीं कैसे, मुझे खुद भी नहीं मालूम, मतलब एकदम टर्न अराउंड हो गई सारी चीज़ें। अब मैंने इतनी लव स्टोरीज लिखी है, अब मुझे रोकना पड़ता है खुद को कि नहीं लिखूं। तो मुझे लव स्टोरीज़, रिलेशनशिप, ये सारी स्टोरीज़ लिखना भी बहुत पसंद है, क्योंकि आप क्या करते हैं, जैसे कोई भी रिलेशन हो, कोई भी बॉन्ड हो, जब हम उस पर लिखते हैं ना तो बहुत डीप लिखते हैं। जैसे अगर मैं एक किसी प्रेमिका के लिए कुछ लिख रही हूँ, एक प्रेमिका मेरी कहानी की किरदार है, तो मैं कुछ देर के लिए वो प्रेमिका बन जाती हूँ। मैं सोचने लगती हूँ कि अगर मेरा हस्बैंड जो है या मेरा जो प्रेमी है वो मुझे छोड़ के चला गया है तो मैं कैसा फील करूँगी। तो मुझे अच्छा लगता है वो फील करना, मुझे अच्छा लगता है वो लिखना,
और उसको एक्सप्रेस करना कि छोटी छोटी चीज़ों से, जैसे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा था कि एक किरदार है फीमेल, वो किसी अपने हस्बैंड के गले लगती है, तो गले लगने में जो थोड़ी चुभती है कंधे पे, मतलब वो एक्सप्रेशन मेरे दिमाग में कैसे आया मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं फील करके लिखने लगी कि जब कोई मेरे गले लगेगा तो कैसा फील होगा मुझे, तो मुझे लगा कि अरे उसकी थोड़ी भी चुभेगी, तो मैंने वो चीज़ डाली। मतलब इसी माइन्यूट चीज़ है कि जब हम किसी की उंगली पकड़ते हैं तो मेरी कहानियों में बहुत ज़्यादा, या मैं खुद भी हूँ, जब मैं जैसे किसी का भी हाथ पकड़ती हूँ तो मेरी आदत है, मैं ना उसका अंगूठा दबाती रहती हूँ, तो वो चीज़ मैं अपनी कहानियों में डालती हूँ। ऐसे छोटे 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 एक्सप्रेशंस आप जितने ज़्यादा इमोशनल रिलेशनशिप्स में डाल सकते हैं, अंगूठा एक फादर डॉटर का भी दबा सकते हैं, डॉटर फादर का भी दबा सकते हैं, एक्सप्रेशन आपके सेम है, रिलेशंस बदल जाते हैं। और अगर ह्यूमर में लिखूँ अंगूठा दबा रहता है तो कोई मतलब नहीं निकलेगा इस चीज़ का, है ना। तो आपको एक रिलेशनशिप पे लिखने के लिए उसके भीतर उतरना बहुत ज़रूरी होता है, और मुझे वो उतरना बहुत पसंद आता है। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब मैं खुद को वो किरदार बन के जीने लगती हूँ कुछ टाइम के लिए। जब मैं लिखती हूँ तो मुझे लगता है आसपास कुछ नहीं है, बस मैं हूँ, वो मेरा किरदार है, या वो किरदार मुझ में ही समाया हुआ है। अच्छा। तो मैं वैसे सोच के करके लिखती हूँ, और इवन कई बार ऐसा हुआ है लिखते लिखते ना कोई इमोशनल सीन आता है तो मेरी भी आंख भर आती है, मतलब मैं इतना फील करने लगती हूँ। कभी लगता है बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, फिर लगता है नहीं, क्योंकि ये हो रहा है तभी वो राइटिंग में उतर रहा है। अगर मैं रोना फील कर रही हूँ, अगर मैं लिखते टाइम मुझे रोना आ रहा है, तो मुझे लगता है कि मेरे लिखने में भी वो रोना दर्शकों को या लिसनर्स को, उनको समझ में आएगा। हाँ, यूनानी मुझे एक फ़िलासफ़र है, यूनानी फ़िलासफ़र प्लूटार्क, उनका कथन याद आता है कि अगर जो लिखने वाला है उसकी आंखों में आंसू नहीं होंगे तो पढ़ने वाले की आंखों में भी आंसू नहीं होंगे। लिखने वाले को अगर हैरानी नहीं होती होगी कि अरे ये कैसे हो गया, तो पढ़ने वाले को भी हैरानी नहीं होगी। जी, पढ़ने से ही जुड़ा हुआ अगला सवाल है ये कि क्या आपको लगता है कि इंटरनेट एक तरह से वो ब्रिज बन गया है जो उन लोगों को भी अब किस्से कहानियों की दुनिया से जोड़ रहा है जिन्हें पहले लिटरेचर में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, और इसके क्या फ़ायदे या नुकसान आप देख पाते हैं? हाँ, ये बात है कि इंटरनेट वाकई में एक ब्रिज बन गया है। एक्चुअली क्या था कि पहले पढ़ना मतलब आपको बैठ के पढ़ना ज़रूरी है, मतलब आपको पढ़ने के लिए टाइम निकालना पड़ता है। अब लोग खाली टाइम में पढ़ लेते हैं, मतलब आप अगर कोई ट्रैवल कर रहा है तो वो इंटरनेट पे कोई भी ऑनलाइन साइट खोलेगा, कोई भी मे बी ऐप ले सकता है, उसके थ्रू पढ़ सकता है। और फ़ायदा इसका एक मुझे यही लगता है कि आप कभी भी, मतलब इजी रीचेबल है, आप कहीं भी, आपने मोबाइल में खोला, कोई भी साइट डाली, आप पढ़ने लगे। और अगर बुक के लिए आपको पढ़ना है तो या तो आप प्रॉपर उसके लिए तैयारी करके लेके जाओ, आपको अगर बुक पढ़नी है तो आपको बैग में बुक रखनी होगी। आजकल मोबाइल हैंडी है, सबके हाथों में है, कभी भी खोला पढ़ लिया। ईजी यही है कि ईजी मतलब एक्सेसिबल है इंटरनेट के थ्रू पढ़ाई करना। और ये होता है ना कि जैसे पढ़ना हम दूसरे को देख के भी सीख जाते हैं, अगर कोई पढ़ रहा है और मेरा मन किया कि यार मुझे भी पढ़ना चाहिए, तो मैंने फ़ौरन मोबाइल खोला, पढ़ने लगे। तो जो नए नए रीडर्स होते हैं वो शायद इसी इंटरनेट की वजह से पनपे हैं। पहले पढ़ना एक शौक़ माना जाता था, और जो पढ़ते थे वो बहुत ज़्यादा विद्वान वाली कैटेगरी में, और जैसे एक अलग उनका क्राइटेरिया होता था प्रॉपर। इंटरनेट में क्या है कि आप नए राइटर, नए रीडर्स भी होते हैं, पुराने रीडर्स भी होते हैं। पुराने तो खैर ज़्यादा बुक्स के लिए ही ज़्यादा जाते हैं, नए रीडर आपके नए नए बनते हैं, वो पढ़ लेते हैं मौका मिलते ही। तो जो इंटरनेट के थ्रू है कि उसने हर किसी में रीडिंग हैबिट्स डाल दी हैं, चाहे वो मैसेज के थ्रू हो, चाहे वो किस्सों कहानियों के थ्रू हो, हर चीज़ आप इजीली पढ़ सकते हैं। और इसका एक ड्रॉबैक ये है कि अब बुक शेल्फ्स खाली हो रहे हैं मेरे अकॉर्डिंगली, कि अब क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है, इजीली एक्सेसिबल है, तो अब किताबों को कोई रखता नहीं है, या सोचते हैं कि हम घर पे बैठ के तो पढ़ नहीं पाएंगे, या किताब कौन लेके चले साथ पढ़े, तो इंटरनेट है ही, तो हम उस पर पढ़ लेते हैं। तो इंटरनेट का सबसे बड़ा खामियाजा ये है कि हाँ, हमारे लाइफ से बुक्स थोड़ा 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 कम होती जा रही हैं। और पता नहीं ये मतलब वापस से ये किताबों वाली क्रांति आएगी या नहीं, मतलब कि हम वापस से किताबों पे उतना ज़्यादा लौटेंगे या नहीं, और किताबों को वापस हम एक्सेप्ट, मतलब उस
प्यार से ले पाएंगे कि नहीं, क्योंकि आजकल क्या है टाइम बहुत कम हो गया है, लोगों के पास वक्त कम है, वो चाहते हैं कि मैं जल्दी जल्दी ये सारा काम कर लूँ। और किताबें ना थोड़ा टाइम मांगती हैं, आपको पढ़ना हो तो आपको उसके लिए वक्त निकालना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा, आपको पन्ने पलटने पड़ेंगे, आपको उंगलियाँ ऐसे से फिरानी नहीं होंगी कि ऐसे स्क्रॉल किया और मैंने पढ़ लिया। तो किताबों को थोड़ा सा प्यार चाहिए होता है और इंटरनेट को थोड़ी सी जल्दबाजी। आपने हमें बताया कि इंटरनेट के क्या क्या फ़ायदे हैं, कि हम आसानी से किताबें पढ़ सकते हैं और लोगों में रीडिंग हैबिट भी आ जाती है। अब क्योंकि हम अपने एपिसोड के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, तो अभी मैं जानना चाहूँगी और मेरे ख्याल से आपकी जो सुनने वाले हैं, आपकी कहानियाँ सुनने वाले हैं, वो भी ये जानना चाहेंगे कि लेखन से जुड़ी आपकी आगे की क्या योजनाएँ हैं। लेखन से जुड़ी योजनाएँ, पहला तो ये कि मुझे बहुत लिखना है, है ना, मतलब ये हो गया कि लिखना ना मेरे लिए एक ज़रूरत, बोलते ना जैसे कि भाई खाना ज़रूरत है या आराम करना ज़रूरत है, वैसे ही लिखना मेरी ज़रूरत बन गया है। तो मुझे लिखना बहुत ज़्यादा है, ऑब्वियसली बात है इसी फील्ड में आगे बढ़ूंगी, इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहूँगी। अगर सब कुछ ठीक रहा, सब कुछ अच्छा रहा, तो शायद अपनी किताब भी लिख लूँ जो बहुत टाइम से पेंडिंग है। और लिखने के फील्ड में एक्चुअली क्या है कि हम जो सोचते हैं ना वो बहुत देर में होता है शायद जी, तो शायद इसीलिए ना मैं सोचती नहीं हूँ लिखना, मैंने कि एक बुक आएगी मैं एक बुक लिखूँगी, ये मैंने मंडली में आने से पहले सोचा हुआ था। तो बुक तो नहीं आई, मैं ही मंडली में आ गई तो मैं सोचती कम हूँ। हाँ, फ्यूचर प्लान है कि मुझे अपनी एक एटलीस्ट एक दो, मतलब ऑब्वियस बात है मैं एक लिखूँगी तो एक ही पे नहीं रुक जाऊँगी, मैं आगे भी जाऊँगी। तो बुक और नॉवल लिखने का मेरा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि मैं बहुत लंबा लिखने में छूट जाती हूँ। कहानियाँ लिखना चाहती, मुझे कहानियाँ ही लिखनी है, मुझे बुक शॉर्ट बुक स्टोरीज़ लिखनी है, और मतलब शॉर्ट स्टोरीज़ की बुक लिखनी है, और पढ़ना खूब है। और अगर मौका मिला कभी तो एक मेरा ड्रीम है, वो पहले भी था और अभी भी थोड़ा थोड़ा सा बाकी है, कि मुझे बॉलीवुड के लिए कुछ लिखना है, भले ही एक फिल्म कुछ भी लिखूँ, बट मन करता है, एक होता है ना कि हाँ भाई मुझे बॉलीवुड के लिए कुछ लिखना है, कुछ अच्छा, कुछ डेप्थ वाला, कोई आर्ट फिल्म टाइप की, कमर्शियल मुझे बिल्कुल नहीं जमेगा। तो मुझे राइटिंग में ही यही मेरे दो मेन मोटिव हैं, और अभी फ़िलहाल तो मैं मंडली में हूँ तो मुझे अभी तो इसी में जमे रहना है, अच्छा करना है। चाहती हूँ कि और अच्छा लिख के लिसनर्स को अपनी और अच्छी कहानियाँ दूँ, अगर वो किसी कहानी पर फीडबैक देते हैं कि आपने ये अच्छा नहीं किया, तो नेक्स्ट टाइम उसे सुधार के और अच्छे तरीके से लिख के, मतलब उनकी जो शिकायत है उसे दूर करूँ। बिल्कुल, चलिए फिर हमारी ओर से शुभकामनाएं कि आप अपने जितने भी आपके फ्यूचर प्लान्स हैं इनमें आप सफल रहें। लिखने की कोशिश करते लोगों के लिए कुछ सुझाव दीजिए बस। अब लिखना, लिखने से ज़्यादा ज़रूरी है आपको फील करना। एक्चुअली शब्द हम सबके पास होते हैं, लिखना कैसा है आपको सेंटेंस बनाना भी आता है, लेकिन जब तक आप दिल से नहीं सोचेंगे आपको फील नहीं होगा कि मैं अगर दुख को एक्सप्रेस करूं तो कैसे करूं, खुशी को करूं तो कैसे करूं। तो आप जब तक फील नहीं कर पाएंगे तब तक आपको लिखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। हम कोई और बन के सोचें, ये नीलेश सर की ही लाइन में बोल रही हूँ, कि हम कोई और बन के सोच नहीं पाते जब तक, तब तक हमारे लिए लिखना जो है मुश्किल है। तो उन्हीं से ही मैंने सीखा है कि मैं और बन के सोच पाती हूँ तो मैं लिख पाती हूँ। जिस दिन आप सोच लेंगे कि एक सड़क कहीं मेले में गुम हो गए बच्चे की तकलीफ़ क्या होगी, उस दिन शायद आप वो बच्चा बन के लिख पाएंगे। अगर आप नहीं सोच पाएंगे कि एक भरी भीड़ में एक बच्चा अकेला खड़ा रो रहा है तो वो क्या फील कर रहा होगा, उसके मन में ये आ रहा होगा कि ये खिलौने मेरे आसपास हैं मैं उनको ले लूँ, या ये सोच रहा होगा कि मेरे मम्मी पापा कहाँ गए। तो जब तक हम उस बच्चे का दर्द, उसकी तकलीफ़ नहीं समझेंगे, उसकी परेशानी नहीं समझेंगे, तो हम लिख भी नहीं पाएंगे। मैं सिर्फ एक दो, एक बच्चा मेले में खड़ा रो रहा था, वो तब तक कुछ काम का नहीं है, वो एक दो लाइन है बस, जब तक मैं उसकी तकलीफ ना लिखूं। तो आपको लिखने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप उसे फील करें, और दूसरी ज़रूरी बात आप पढ़ें खूब, क्योंकि पढ़ना ना हमें हमारे दिमाग की खिड़कियाँ खोलता है जी। अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग की जो बंद खिड़कियाँ हैं वो खुलेंगी, हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि अच्छा ये भी एक लिखने का मीडियम हो सकता है। तो पढ़ना और कोई दूसरा बन के सोचना, किसी दूसरे के इमोशंस को समझना, लिखने के लिए मेरे हिसाब से ये दो टूल हैं सबसे बेस्ट। जी बिल्कुल। मैम, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, अपने विचार और अनुभव हमसे साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारी कोशिश रहेगी कि हम ऐसे ही जहीन, संवेदनशील और रचनात्मक हिंदी रॉकस्टार्स से आपकी मुलाकात करवाते रहें। तो आने वाले एपिसोड्स के लिए जुड़े रहिए प्रतिलिपि से। धन्यवाद।